कांग्रेस का बड़ा फैसला देखने को मिला है। अविनाश यादव बने हैं हरियाणा में NSUI के अध्यक्ष और कोसली के अविनाश यादव को अध्यक्ष बनाया गया है। बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस ने अविनाश को NSUI का अध्यक्ष बना दिया है, तो कोसली के अविनाश यादव को प्रदेश NSUI अध्यक्ष बनाया गया है। छात्र संघ का अध्यक्ष बनाया गया है अविनाश यादव को। हरियाणा में कांग्रेस छात्र संघ NSUI के अध्यक्ष बने हैं और कोसली के हैं अविनाश यादव, जिन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस ने कोसली निवासी अविनाश यादव को हरियाणा में NSUI छात्र संघ का अध्यक्ष बनाया है। अध्यक्ष पद पर उन्हें नियुक्त किया गया। इसे लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से भी परामर्श किया। अविनाश काफी समय से NSUI में काम कर रहे हैं और NSUI में कांग्रेस को लेकर काम कर रहे थे, उनके कार्य को देखते हुए उन्हें जिम्मेदारी दी गई। तो वहीं एक बड़ी जानकारी और इससे जुड़ी हुई बता दें, राजधानी दिल्ली से अविनाश यादव ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की है। हरियाणा में NSUI का अध्यक्ष बनने के बाद यह मुलाकात रही, दोनों के बीच में मुलाकात हुई। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के साथ मिले हैं। भूपेंद्र हुड्डा और सांसद दीपेंद्र हुड्डा का आशीर्वाद उन्होंने लिया। अहम जिम्मेदारी के लिए धन्यवाद भी किया है, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी NSUI का अध्यक्ष होने के नाते जो उन्हें दी गई है उसे लेकर धन्यवाद करते नजर आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का। राजा पटेल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं राजधानी दिल्ली से हमारे साथ। राजा पटेल, देखिए अहम जिम्मेदारी दी गई है अविनाश यादव को, उसके बाद ये मुलाकात किस तरीके से देखते हैं? काफी अहम ये मुलाकात है। जिस तरीके से NSUI के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अविनाश यादव हैं, कहीं ना कहीं वो आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो सरकारी आवास है वहां पर पहुंचे, उनसे उन्होंने मुलाकात करी है, क्योंकि ये चुनावी साल है और जिस तरीके से उनको NSUI का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो काफी अहम और काफी बड़ी जिम्मेदारी अविनाश यादव के पास है। ऐसे में अब किस तरीके से हरियाणा में स्टूडेंट विंग के जो जिम्मेदारी चुनाव के दौरान भी देखने को मिलती है राजा। और बिल्कुल, देखिए युवाओं की हम बात करें और NSUI विंग कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है, ऐसे में हरियाणा में किस तरीके से अब आगे मजबूती मिलेगी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष अब अविनाश यादव के रूप में मिल गया है, तो युवाओं की अहम भागीदारी चुनाव में देखने को मिलती है। अब काफी मजबूत अब कांग्रेस यहाँ पर होती हुई नजर आएगी और किस तरीके से आगे जो अविनाश यादव है काम करेंगे NSUI, तो ये देखने वाली बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजा पटेल जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए।